खबर है करनाल की, जहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 16 सितंबर को करनाल में आएंगे। वह जाट भवन करनाल में सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस अवसर पर पूरा विधानसभा स्पीकर तथा गन्नौर के विधायक कुलदीप शर्मा तथा कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यह जानकारी हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरियाणा से चलता कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी तथा प्रदेश में मनोहर सरकार झूठी, जुमलेबाज, बेईमान तथा करप्शन से लिप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम लोगों से, किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। उन्होंने अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 16 सितंबर को सुबह 10 बजे जाट भवन पहुंचकर नेताओं को सुनने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की मौजूदा मनोहर लाल खट्टर सरकार पर भी कड़े प्रहार किए। देखिए सरदार त्रिलोचन सिंह ने क्या कहा। जी, नए प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम किस प्रकार है, बताइए थोड़ा कांग्रेस। 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे जाट भवन सेक्टर 12 करनाल में हमारी नई प्रदेश अध्यक्ष मैम कुमारी शैलजा जी व उप लीडर व कांग्रेस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पहुँच रहे हैं इलेक्शन को मद्देनज़र और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। उस दिन पूरा करनाल पार्लियामेंट क्षेत्र जिसमें पानीपत भी है और करनाल जिला भी है, इसके सारे कार्यकर्ता व नेतागण भाग लेंगे और हुड्डा साहब की नई ताजपोशी का स्वागत भी करेंगे उनका करनाल में, और साथ साथ वर्करों की मीटिंग को वो संबोधित करेंगे। उसमें वर्करों तक पहुंचने के लिए वो अपना मुख्य जो बातें हैं वो हमारे को बताएंगे। मौजूदा सरकार में जो देखिए, मौजूदा सरकार ने 5 साल पहले जो हमारे से वादे किए थे हरियाणा की जनता से, उस पर कसौटी पर खरी नहीं उतरी। किसान आज बहुत परेशान है, व्यापारी वर्ग बड़ा घाटे में चल रहा है, कर्मचारी रोज सड़कों पर रहते हैं, बेरोजगारी कम नहीं हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल जमीन दोज हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है हरियाणा के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री का ध्यान विकास कार्यों की तरफ नहीं, सिर्फ शिलान्यास करने की तरफ है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, किसान वर्ग परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, रोज सड़कों के ऊपर धरने व प्रदर्शन चल रहे हैं। हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से और मनोहर लाल खट्टर जी से बुरी तरह फेल हो चुकी है, इनकी जो सरकार उसके खिलाफ है और सड़कों पे धरने प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया था कि विपक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी विपक्ष नहीं रहा अंतिम स्तर में, आगे देखें क्या होता है। देखिए बड़ी भूल है इसकी मनोहर लाल खट्टर जी की, विपक्ष ना खत्म हुआ है और ना ही लुप्त हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी तभी जाके इन बातों को नजर ध्यान दिया जाएगा। अभी चुनाव का सीजन शुरू हुआ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेतृत्व में हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे जागरूक हैं। 90 के 90 हलकों में हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुत जल्द इसका रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। जो आज 75 पार का नारा लगा रहे हैं, हमारे को डर है कहीं 90 पार का नारा भी ना लगा दें। ये सारी झूठी बेबुनियाद बातें हैं जो एक साजिश के तहत एक जो फैलाया जा रहा है झूठ, उसको बेनकाम हम बड़े जल्द कर देंगे। विधानसभा में अभी संगठन का खड़ा करेंगे कांग्रेस पार्टी, विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में संगठन खड़ा कर पाएगी? देखिए संगठन तो उनका खड़ा हो जो नई पार्टी बनी हो, हमारी पुरानी पार्टी है और 100 साल से ऊपर की पुरानी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता तो हर गली में मिल जाएंगे। पिछले 5 साल में अशोक तंवर नहीं खड़ा कर पाए। देखिए हम मानते हैं कि संगठन खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन लोगों की जो आस्था है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में पिछले कार्य किए हैं, किसान वर्ग के चेहरे पर खुशहाली थी,
व्यापारी वर्ग के चेहरे पर खुशहाली थी, कर्मचारी खुश था, नौजवान खुश थे, बेरोजगार खुश थे, जमीनों के भाव अच्छे थे, फसलों के भाव अच्छे थे, मंडियों में तालमेल था, 36 बरादरियों का आपस में भाईचारा बहुत बढ़िया था। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, इन सभी बातों का अंकुश लग गया है। ना भाईचारा बढ़िया है, भाईचारा में खटास पैदा कर दी। हरियाणा जो पिछले 36 बरादरी का देश प्रदेश किया जाता था, उस प्रदेश में इन्होंने जो आग लगाई हर जगह पर, कई हिंदू सिख के नाम पर, कई हिंदू मुसलमान के नाम पर, कई गाय के नाम पर, कई दलितों की पिटाई, कई मंदिर तोड़ने का मुद्दा, ये जो सारे मुद्दे हैं, ये भाजपा के असली जो चेहरा है सामने आ चुका है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।